है दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ मटन मसाला बनाने का तरीका। तो देखते हैं, मैं ली हूँ पहले 10 हरी मिर्च, 2 कटा हुआ टमाटर और आधा केजी मेरा मीट है तो आधा केजी मैं प्याज ली हूँ। तो जैसे मेरा 6 प्याज था तो मैं 2 प्याज पीसूँगी और 4 प्याज फ़ौरन में दूँगी। तो 2 प्याज के हिसाब से मैं निकाल ली हूँ उसमें से, और ये मुझे फ़ौरन में देना है और ये मुझे पीसना है। तो चलिए मैं पीस कर दिखाती हूँ आपको। तो ये रहा मेरा मिक्सी और इसमें अब हम डालेंगे। तो हमें अलग अलग पीसना है, टमाटर के साथ हरी मिर्च पीसना है और प्याज के साथ हमें लहसुन और आदि का पेस्ट आदि पीसना है। तो लहसुन आदि का पेस्ट मेरे पास था ही, इसलिए मैं सिर्फ प्याज ली हूँ। तो देखिए मैं टमाटर और मिर्च को पीस रही हूँ और इसी तरह मैं प्याज को भी पीस लूँगी। और ये मेरा है मीट, इसमें मेरा सब कुछ है, मतलब हर तरह का मीट है मेरा, तेल भी है, कलेजी भी है, मीट भी है। तो ये रहा मेरा पिसा हुआ मसाला। तो 1 चम्मच करीब मैं आधी लहसुन का पेस्ट ली हूँ और ये 2 मेरा साबुत लहसुन है, ये वैसे ही मैं डालूँगी। और ये है मेरा फ़ौरन फ़ौरन की मैं जीरा, तेज़पत्ता, लौंग, इलायची, खड़ा मसाला और 1 सूखा मिर्च ली हूँ। देखिए मेरा कुकर गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे तेल। तेल तो मीट में ज़्यादा ही लगता है तो मैं 200 ग्राम करीब तेल डाली हूँ, आपको जितना डालना है उतना डालिएगा। और इसे गर्म होने देंगे और गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे फ़ौरन जो मैं ली हूँ, ये डाल दी हूँ। और इसे पकने के बाद इसमें हम डालेंगे, और आधा मैं शिमला मिर्च भी ली हूँ, अगर आपके पास है तो आप लीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और ये मैं डाल दी हूँ और इसे मैं 3 से 4 मिनट तक पकाऊँगी, हल्का ब्राउन होने तक। तो देखिए मैं पका रही हूँ इसको, मिलाने के साथ साथ आपको पकाना है मिलाते हुए। और शिमला मिर्च देने से थोड़ा टेस्ट अच्छा आता है, अगर आपके पास हो तो आप डालिए, नहीं हो तो आप स्किप भी कर सकते हैं इसको, ज़रूरी नहीं है, देना ही है। देखिए मेरा हल्का ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें डालूँगी पिसा हुआ प्याज, आधी लहसुन का पेस्ट और प्याज। अगर मेरे पास पिसा हुआ पेस्ट नहीं रहता तो मैं प्याज के साथ साथ 5 से 6 लहसुन का कली और 1 इंच करीब आधी भी पीस डालती। तो देखिए मैं ये मैं मिला चुकी हूँ और इसे भी मैं 2 से 3 मिनट तक पकाऊँगी। और पकने के बाद इसमें डालूँगी मीट, ये मेरा पक चुका है, अब इसमें मीट डाल देती हूँ मैं सारा। और इसे मैं मिला लूँगी और इसके बाद मैं इसमें डालूँगी मसाला। तो मसाले के लिए मैं पहले 1 चम्मच हल्दी पाउडर दी हूँ, उसके बाद 1 चम्मच मिर्च पाउडर दी हूँ, और आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च दी हूँ, अगर आपके पास हो तो डालिए, नहीं हो तो कोई बात नहीं, ये बस कलर आने के लिए डालते हैं हम लोग। और 1.5 इंच और 1.5 चम्मच धनिया पाउडर दी हूँ, और स्वाद के अनुसार नमक दूंगी इसमें। नमक डाल करके इसे अच्छे से मैं मिला लूँगी सारा मसाला को, और इसे मैं फ्राई करूँगी मीडियम आंच पे। इसे मैं ढक ढक कर फ्राई करूँगी, ढकूंगी, फिर 5 मिनट के बाद फिर से मिलाऊंगी, फिर ढकूंगी, फिर से मिलाऊंगी। इसी तरह हमें फ्राई करना है जब तक कि मेरा प्याज अच्छी तरह गल ना जाए और ये अच्छी तरह फ्राई ना हो जाए। मीट में सबसे ख़ास बात यही रहती है कि आप उससे अच्छे से भूनिए। तो देखिए अगर आपको अंदर में लग रहा है तो आप उसे अच्छे से चुरा लीजिए। मैं ढक दी हूँ और फिर 5 मिनट के बाद मैं देखती हूँ, इसी तरह जारी रखना है, कम से कम इसे फ्राई होने में 10 से 15 मिनट लग जाता है, और एकदम मीडियम आंच पे रखना है
तो ये मेरा आधा गल चुका है, तो अब इसमें मैं टमाटर और मिर्च जो पीसी थी वो डाल दी हूँ, मतलब आधा प्याज फ्राई होने के बाद उसमें आप डालिएगा। तो मेरा आधा फ्राई हो चुका है, अब इसमें मैं डाल दी हूँ और इसे भी मैं फ्राई करूँगी इसी तरह ढक ढक कर। देखिए ये मिला दी हूँ मैं, और मैं ढक दूँगी इसे फिर से। इसे फिर से देखती हूँ, मीट में लहसुन तो ज़रूर दीजिएगा, लहसुन देने का मज़ा ही कुछ और है, लहसुन सबको पसंद होता है मीट वाला। तो देखिए मिला ली, एक बार इस तरह से आप बनाकर ज़रूर देखना, बहुत ही अच्छा बनता है और बहुत ही टेस्टी होता है। रस इतना अच्छा होता है कि आप रस के साथ भी 10 रोटी समाप्त कर जाएंगे। तो देखिए अगर आपके अंदर में थोड़ा सा भी लग रहा है तो आप थोड़ा सा पानी डालकर इसे अच्छे से भून सकते हैं। तो मैं पानी थोड़ा डालती हूँ और इस फिर से भूनूंगी। तो देखिए ये मेरा हो चुका है, मैं दिखाती हूँ, मेरा सारा प्याज गल चुका है और इसमें थोड़ा सा भी कहीं भी प्याज नहीं बचा है। देखिए कितना अच्छा बना है, अब इसमें हम पानी डाल सकते हैं। तो अब हम इसमें पानी डाल देते हैं अपने अनुसार। तो मैं 2 गिलास पानी डाली हूँ इसमें, मैं पूरे परिवार के लिए बना रही हूँ तो थोड़ा ज़्यादा ही पानी डालती हूँ। अब इतना ज़्यादा भी नहीं डालूँगी कि सिर्फ पानी ही रहे, मतलब जितना में मेरा मांस डूब जाए उतना पानी मैं दूँगी, क्योंकि सीटी लगने के बाद थोड़ा पानी सूखता भी है। तो मैं 2 गिलास पानी दी हूँ और इसका मैं अब ढक्कन लगा दूँगी, और ढक्कन लगाने के बाद 3 से 4 सीटी हमको लगाना है। अगर आपका सीटी अच्छा काम करता है तो आप 3 सीटी में भी ये हो सकता है, और अगर देर से काम करता है तो आप 5 सीटी लगा सकते हैं। तो देखिए ये मेरा हो चुका है, अब हम दिखाते हैं इसको। देखिए ये कितना सुंदर बना है और कितना सुंदर इसका कलर आया है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच मीट मसाला और 1/2 चम्मच करीब गरम मसाला और 1 चम्मच करीब कस्तूरी मेथी डाल करके इसको मिला लेना है, और अब हम इसे सर्व कर सकते हैं। देखिए कितना सुंदर बना है, देखने से ही पता चलता है कि यह अच्छा होगा और टेस्टी भी होगा। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, उसके बाद हम कमेंट में बताना कि कैसी बनी है। तो देखिए अब हम इसे सर्व करते हैं। देखिए कितना सुंदर बना है, देखकर ही लगता है कि अच्छा बना होगा। और आप इसे रोटी चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ ज़्यादा अच्छा लगता है, चावल से ज़्यादा रोटी के साथ ही अच्छा लगता है खाने में। तो ये रहा मेरा फाइनल लुक। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो आप कमेंट में ज़रूर बताना, और मेरी सारी वीडियो को ज़रूर देखना और हमेशा देखते रहना। धन्यवाद।